गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप अपनी जगह पे सुरक्षित होंगे। तो आज हम करने जा रहे हैं प्रोनाउन का ही एक पार्ट हमारा रह गया है। पर्सनल प्रोनाउन के अंदर हम कर रहे थे यूज ऑफ ही, सी, इट, और आज हम आपको बता रहे हैं इट का प्रयोग कैसे करते हैं और कहाँ कहाँ पर करते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं नेचुरल इंसिडेंट के लिए, यानी कि जो प्राकृतिक घटनाएं हैं जैसे अर्थक्वेक है, वेदर है, सीजन है, इन सब के लिए हम इट का प्रयोग करते हैं। जैसे इट इज रेनिंग, ठीक है, तो इस प्रकार हम टाइम, डेट और ईयर को बताने के लिए भी इट का प्रयोग करते हैं। जैसे इट इज 9 o'clock, इट इज ट्यूजडे, ठीक है, तो इस प्रकार हम इट का प्रयोग इनके लिए करते हैं। नेक्स्ट हमारा लाइफलेस, यानी कि जो निर्जीव चीजें होती है जिनके अंदर जान नहीं होती, उनको बताने के लिए हम इट का प्रयोग करते हैं। जैसे इट इज अ चॉक, ठीक है, तो इस प्रकार हम इट का प्रयोग करेंगे। जो तीसरा नेम है हमारा छोटे जानवर, यानी कि जो छोटे छोटे जानवर होते हैं जैसे डॉग है, ठीक है, पप्पी है, इस प्रकार हम छोटे जानवर और कीड़े मकोड़ों के लिए, ठीक है, जैसे एंट है, बटरफ्लाई है, उनको हम बताने के लिए इट का प्रयोग करते हैं। जैसे इट इज अ बटरफ्लाई, इट इज एन एंट, एटसेट्रा, ठीक है। उसके बाद किसी नाउन, नाउन मतलब संज्ञा या प्रोनाउन या सर्वनाम, ठीक है, उस पर जोर देने के लिए हम इट का प्रयोग करते हैं। कैसे करते हैं, जैसे उदाहरण देख लेते हैं। इट इज आई हु तो यू, वो मैं हूं जिसने आपको पढ़ाया, तो यहां पर हम इट का प्रयोग करेंगे आई के लिए। इट इज आई, ठीक है, हु, यहां पर जोर देना है, ये सबसे पता लगा कि यहाँ पर एम्फसाइज दिया गया है कि जिसने या जो आपको पढ़ाया था, जिसने आपको पढ़ाया था, उसके लिए हम इट का प्रयोग करते हैं। पांचवा हमारा अंतिम नियम है स्मॉल चिल्ड्रन या बेबीज, जिनका हमें जेंडर नहीं पता कि वो लड़का है या लड़की है, बॉय है या गर्ल है, तो उसके लिए हम इट का प्रयोग करते हैं। जैसे द चाइल्ड वाज प्लेइंग विद इट्स टॉयज, यानी कि जो लड़का है, अब लड़का कह सकते हैं ना, इसको लड़की कह सकते हैं, क्या है, चाइल्ड मीन्स बच्चा, बच्चा अपने खिलौनों से खेल रहा है, तो हम चाइल्ड का ये नहीं कह सकते कि चाइल्ड जो है वो गर्ल है या बॉय है, ठीक है, वह अपने खिलौनों के साथ खेल रहा है, अपने यानी कि इट्स, ठीक है, हम इट का प्रयोग यहाँ करेंगे, न कि हिज या हर का प्रयोग करेंगे क्योंकि हम इसका जेंडर नहीं पता है। तो इस प्रकार हमारा यूज ऑफ इट का ये इतना ही टॉपिक था। तब उसके बाद हम करते हैं ऑर्डर ऑफ प्रोनाउंस, वो आपको कल यानी कि नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएंगे, और उस वीडियो के लिए आप वेट करें। तब तक के लिए बाय बाय।